हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे एक कॉम्बो बोर्ड कैसे रिपेयर करते हैं। तो कॉम्बो बोर्ड मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों एक ही में ही इनबिल्ड हो गए। तो ऐसे सभी बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बो बोर्ड। ओके, तो ये कॉम्बो बोर्ड है, आप देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ है। तो इस कॉम्बो बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों एक ही में फिट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेस करते हैं कैसे कैसे इसके अंदर काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सेक्शन जो है, यहाँ पर ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक वाला सेक्शन आपको पीछे से प्रिंट कर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो ये मार्क किया हुआ है यहाँ पर व्हाइट लाइन से, ये सर क्या है, हमारा पावर सप्लाई है। ओके, ध्यान से देखिए एकदम, जो व्हाइट लाइन से पूरा मार्क किया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये पावर सप्लाई है। उसके बाद में इधर के साइड जो भी आपको दिख रहे हैं, ये पूरे है सेकेंडरी साइड। ओके, व्हाइट लाइन को छोड़ के बाकी सब जो दिख रहा है आपको, वो क्या है, सेकेंडरी साइड। ये पूरा क्या है, सेकेंडरी साइड। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, व्हाइट लाइन के बाहर का जो भी चीज दिख रहा है आपको, वो है सेकेंडरी साइड। अब हमारा पावर सप्लाई कैसे काम करे, सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं, उसके बाद में क्या सिस्टम चलता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐसा आप देख सकते हो, दो हीट सिंक लगा हुआ है, बराबर, एक हीट सिंक यहाँ पर, एक हीट सिंक यहाँ पर है। यहाँ पर भी एक तीन लेग का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक तीन लेग का लगा हुआ है, जो क्या है आपको आइडिया नहीं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तीन लेग का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर एक तीन लेग का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ओके, इस ट्रांजिस्टर को चलने के लिए देखो, यहाँ पर एक छोटा सा ड्राइवर लगा हुआ है, छह लेग का, आप देख सकते हो ध्यान से, छह लेग का एक छोटा सा ड्राइवर लगा हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए। ओके, देख सकते हो यहाँ पर छह लेग का एक छोटा सा ड्राइवर लगा है इस ट्रांजिस्टर को चलने के लिए। ओके, देखिए, ओके, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है, ड्राइवर जिसको बोलते हैं, आईसी लगा हुआ है इस ट्रांजिस्टर को चलने के लिए। अगर ये मॉस्फेट आपका शॉर्ट होता है तो आपको ये भी ड्राइवर भी चेंज करना है। ओके, अगर आपके पास ये मॉस्फेट ड्राइवर दोनों नहीं है तो यहाँ पर वो मॉडल जो मैं बताया था पांच वायर वाला, वो मॉडल भी आप लगा सकते हो इसके अंदर। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ट्रांसफार्मर है, तो ये अगर ये ट्रांजिस्टर उड़ता है, सपोज करो एक बार बाहर से आपने ला के डाल दिया, तो अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला वापस शॉर्ट हो गया, तो आपको समझ लेना कि ये ड्राइवर भी खराब है, इसीलिए बार बार ये उड़ रहा है या शॉर्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये बातें कि कैसे हमको इसको चेक करना है। ओके, ये ट्रांजिस्टर और ये ड्राइवर। ओके, जहाँ पर इतना काम होता है, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ आगे हम जैसे आते हैं, आपको देखो यहाँ पर ये क्या है, एक डायोड है, ट्रांजिस्टर के पैकेज में क्या है, डायोड है, और यहाँ पर एक और डायोड है, देख सकते हो, मतलब कितना डायोड हो गया, एक डायोड यहाँ पर है, एक डायोड यहाँ पर है। यहाँ पर 24 वोल्ट बनते हैं, यहाँ पर भी 24 वोल्ट आएंगे, यहाँ पर भी 24 वोल्ट डीसी आता है, ठीक है। यहाँ इसमें 12 वोल्ट नहीं बनता, 12 वोल्ट बनने के लिए पैनल को जो वोल्टेज चाहिए 12 वोल्ट, वो बनने के लिए यहाँ पर एक छोटा सर्किट बना हुआ है, उससे बनते हैं। अभी हम लोग ट्रेस करेंगे एक एक चीजें इसके अंदर, पूरा बारीकी से हम लोग देखने वाले इसके अंदर है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो 24 वोल्ट बनेगा वो जाएगा पूरे मदरबोर्ड को। ओके, ये पूरे मदरबोर्ड को ड्राइव करने के लिए जो यहाँ से 24 वोल्ट बनेगा वो जाएगा तुम्हारा, देखो एक आईसी लगा हुआ है, एक मॉस्फेट है, एक इंडक्टर यहाँ पर कॉइल है, तो यहाँ पर एक बूस्टिंग सर्किट बनाया हुआ है। तो बूस्टिंग सर्किट का क्या पैकेज होता है, एक स्विच रहेगा, स्विच मतलब मॉस्फेट, उसको ड्राइव करने के लिए एक आईसी, और उसको लाइन फिल्टर रहेगा, एक इंडक्टर कॉइल रहता है। तो यहाँ पर एक हमारा बूस्टिंग सर्किट बन गया और एक, ठीक है, इस तरह से रहेगा। ओके, तो इस डायोड का यूज दोनों तरह से किया है, इधर भी पीएफसी के क्या बोलते हैं, बूस्टिंग के लिए भी किया है और फिल्टर के लिए, दोनों तरफ से इसका यूज कर लिया है। ओके, तो ये हमारा एक पैकेज हो गया। ओके, पैकेज हुआ ना, ड्राइवर, मॉस्फेट और लाइन फिल्टर। ओके, इस तरह से हमारा एक बूस्टिंग सर्किट का पैकेज हो गया। ये बूस्टिंग सर्किट ड्राइव करता है, देखो यहाँ पर हमारा एलईडी का जो कनेक्टर होता है यहाँ पर लगता है, अगर दो वायर का एलईडी है तो यहाँ पर, अगर छः सात वायर का है तो यहाँ पर, कितना वायर है, आठ है, अगर आठ का है तो यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। हमारा कौन सा सर्किट है, ये इन्वर्टर या सॉरी एलईडी ड्राइविंग सर्किट है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो ये हमारा हो गया मदरबोर्ड का ड्राइविंग सर्किट। अगर मदरबोर्ड का एलईडी का प्रॉब्लम है, सपोज करो कि एलईडी हमारा नहीं जल रहा है, स्टैंड बाय एलईडी है, जल रहा है, स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है, तो हम आएंगे इस सर्किट, इस सेक्शन में। ओके, तो इस सेक्शन में आने के बाद हमको सबसे पहले एक एक चीज को मेंशन करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो लिखा है क्या, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 24 वोल्ट इन और 5 वोल्ट आउट। ओके, क्या लिखा हुआ है,
24 वोल्ट इन और 5 वोल्ट आउट। यहाँ पर एक बक कन्वर्टर, मतलब कि आपका इनपुट वोल्टेज ज्यादा रहेगा, आउटपुट वोल्टेज कम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एक बक कन्वर्टर हमको देखा, हमने देखा था क्या है, उसके लिए भी एक स्विच रहेगा, या फिर स्विच ना है तो स्विच इसके अंदर ही फिट किया हुआ है, ये ड्राइवर है, इसके अंदर स्विच किया है, उसके बाद डायोड, उसके बाद यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल है। ओके, तो यहाँ पर एक इस इंडक्टर कॉइल पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 24 वोल्ट इन है और 5 वोल्ट आउट है, तो 5 वोल्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में वो 5 वोल्ट बन के यहाँ पर जाएगा, ये हमारे रेगुलेटर के पास, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 5 वोल्ट इन, 5 वोल्ट बीएसपी इन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, देखिए 5 वोल्ट बीएसवी इन है और 3.3 वोल्ट आउट है। ओके, 3.3 वोल्ट क्या है, आउट है आपका, देखिए 3.3 वोल्ट आउट है, मतलब इसके ऊपर 5 वोल्ट इन होगा और 3.3 वोल्ट आउट होगा, पिन नंबर 1 पे या पिन नंबर 1 या पिन नंबर 3 जिस पे भी इन होता है, आउट होगा पिन नंबर सेकंड वाले से, जो बीच का पिन है उससे। ओके, यहाँ पर आपको 1.2 वोल्ट मिलेगा, 1.2 के लिए देखो, अब ये 5 वोल्ट का 3.3 वोल्ट यूज करके या 5 वोल्ट का यूज करके आपको 1.2 वोल्ट बनाएगा। यहाँ पर देखो 1.2 बनाने के लिए देखो, यहाँ पर देखो एक 5 लीक की आईसी लगी हुई है, यहाँ पर देखिए छोटा सा 5 लीक की आईसी लगी हुई है, उसके लिए यहाँ पर लाइन, एक लाइन फिटर है। ओके, तो इस तरह से है, तो ये हमारा सर्किट इस तरह से काम करेगा। यहाँ पर देखिए छोटा सा फ्लैश लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये इसका क्या फंडामेंटल अभी हम लोग देखेंगे, जब यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट कैसे बनता है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट आउट हो रहा है, तो 12 वोल्ट अभी मैं कहीं दिखाया नहीं आपको, ओके, 12 वोल्ट मैं आपको कहीं दिखाया गया अभी नहीं दिखाया, क्योंकि 12 वोल्ट पैनल के लिए चाहिए। अब 12 वोल्ट कैसे बनेगा वो हम लोग ट्रेस करेंगे अपने आपको, ठीक है, ट्रेस आउट करके हम लोग देखेंगे 12 वोल्ट कहाँ से बन के आ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, एक ये भी रेगुलेटर है जो कि यूएसबी चलने के लिए यहाँ पर, या रैम को चलने के लिए, तो यहाँ पर सप्लाई बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3.9 वोल्ट इन और 2.5 वोल्ट आउट। इस रेगुलेटर पे 3.3 वोल्ट इन होगा और 2.5 वोल्ट आउट होगा, किसके लिए है, ये हमारे इस अंदर जो इसके अंदर रैम लगा हुआ है, इसके अंदर कौन सा रैम लगा हुआ है, फिर DDR2 लगा हुआ है, क्योंकि 2.5 वोल्ट है इसके अंदर रैम इंटरनली फिट किया है, इसीलिए 2.5 वोल्ट ये बाद में बन के इसके ऊपर जाएगा, स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद, या स्टैंड बाय के पहले, किसी किसी में पहले आता है, किसी किसी में बाद में जाता है। अभी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इसका पावर का कनेक्टर भी नहीं है, तो हम लोग चेक कर लेंगे, अगर विदाउट स्टैंड बाय हम लोग चेक करने वाले हैं, स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास इसका सेंसर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 3.9 वोल्ट लिखा है और 2.5 वोल्ट आउटपुट लिखा है, ऐसे ही यहाँ पर 1.8 भी आउट हो सकता है, तो जैसे जैसे इसका 5.9 इन होगा तो 1.8 आउट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 5.9 वोल्ट अगर इन होगा तो 1.8 वोल्ट आउट होगा, ऐसा लिखा है यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कैसा आउट होगा, कैसे कौन सप्लाई इन होता है, कौन सप्लाई आउट होगा, वो देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक साउंड की आईसी है, ठीक है, साउंड के लिए देखो 1, 2, 3, 4 इंडक्टर कॉइल भी लगा है, तो यहाँ पर 4 जो कनेक्टर है, तो सिर्फ 4 इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, 4 पीने है ना, इसलिए 4 पीने है, लेकिन क्वाइल से अटैच है, तो यहाँ पर एक साउंड आईसी है। ओके, ठीक है, यहाँ पर एक और लगा है, देखो 5 वोल्ट इन हो रहा है, 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है, ये बाद में आउट, स्टैंड बाई के बाद का सप्लाई है, ठीक है, स्टैंड बाई के बाद का सप्लाई है। चलो देख लेते हम लोग, ठीक है, 5 वोल्ट इन लिखा है, 3.3 वोल्ट आउट लिखा है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो अभी हम चलते हैं लाइव चेक करने के लिए, किस तरह से कैसे कैसे वोल्टेज बनते हैं। ओके, हम लोग सभी चीज देख लिया अभी डिटेल में, अभी हम लोग चेक करेंगे, ट्रेस आउट करेंगे। ओके, थोड़ा मैं पास लेते हैं तो उसको, आपको मल्टीमीटर तो फिर नजर नहीं आ रहा है, शायद आपको नजर आया है अच्छे से। तो अभी हम लोग एक चीज को बारीकी से चेक करने वाले हैं, मल्टीमीटर को ध्यान से रखिए। चलिए मैं पावर इन करता हूँ इसको, ये मैंने पावर को इन कर दिया है, अभी देख लेते हैं वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज सबसे पहले मुझे ये ग्राउंड करना है, एक बार आपको ग्राउंड कर लेना है, कोई भी निगेटिव पॉजिटिव, कोई भी ग्राउंड करो, ठीक है,
अगर नेगेटिव करोगे तो आपको वोल्टेज सही दिखाएगा, अगर पॉजिटिव करोगे तो आपको वोल्टेज माइनस में दिखाएगा। ओके तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, 5 वोल्ट चेक करेंगे, 5 इस इंडक्टर कॉइल पे आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग। आ गया 5 वोल्ट, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है। ओके इंडक्टर कॉइल यहाँ लगा हुआ है, इंडक्टर कॉइल के पिन पे मैं चेक कर रहा हूँ 5 वोल्ट। अभी ये 5 वोल्ट कहाँ जा रहा है, सीधा यहाँ पर आएगा। ओके कहाँ पर आएगा, सीधा यहाँ पर आएगा। जैसे मैं बताया हूँ कि 5 वोल्ट सबसे पहले बनेगा, तो यहाँ पर मतलब एक तरह का हम ये समझ सकते हैं कि हमारा अगर 24 वोल्ट का अडैप्टर है, 24 वोल्ट का अडैप्टर है तो कैसे कैसे, तो ये पावर सप्लाई जो सर्किट है मेरा स्किप हो जाएगा, हट जाएगा। अगर मैं 24 वोल्ट का अडैप्टर रहेगा तो ये मेरा सप्लाई जो है हटा देगा, तो सीधा ही 24 वोल्ट यहाँ पर इन करा देगा। ओके तो भी मेरा काम सेम हो जाएगा, अगर 24 वोल्ट इसके अंदर ही बना रहा है तो भी मेरा काम सेम है। तो सपोज करो कि ये अडैप्टर है या फिर पावर सप्लाई बाहर से लगाया है। ओके तो 24 वोल्ट इन हुआ है, 24 वोल्ट से 5 वोल्ट बन गया। उसके बाद में हम देखेंगे क्या, अब ये 5 वोल्ट यहाँ पर कहाँ से इन हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है, देखिए वही 5 वोल्ट यहाँ पर इन हो रहा है। ओके इसके फर्स्ट लेग पे या बोलते लास्ट लेग पे इन हो रहा है, उसके बाद में सेंटर पिन से यहाँ पर आउट कर रहा है। अब इसका एक पिन ग्राउंड होगा या फिर एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट होगा तो कोई ना कुछ कुछ वोल्टेज रहेगा, अगर ग्राउंड रहेगा तो कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड किया हुआ है इसलिए कोई वोल्टेज नहीं है, अगर इस पिन का एडजस्टमेंट रहता तो वोल्टेज यहाँ पर होता।